यह कहानी है दो दोस्तों की, जिनमें एक अमीर और दूसरा गरीब घर से रहता है। वे हमेशा साथ में घूमते हैं, खेलते हैं और पढ़ाई करते हैं। उनमें बहुत ही गहरी मित्रता होती है, लेकिन उन दोनों के पिताजी दोनों लोगों को एक दूसरे के साथ रहने से बार बार मना करते हैं और दोनों को एक दूसरे से मिलने के लिए हर बार रोकते हैं। बेटा विनय, विशाल के साथ कम रहा कर, तो काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा उसके साथ रहने लगा है। बेटा वो अमीर आदमी है, कल को वो अपना बिजनेस संभालेगा। बेटा तुम मन लगा कर पढ़ाई कर, तुझे कल को नौकरी करनी है। बस करो पापा, यही बात आप रोज रोज कहते रहते हैं। बेटा तू नहीं समझ रहा है, उसके पापा बहुत पैसे वाले हैं, कल को वो सेट हो जाएगा और तू ऐसे घूमता ही रहेगा। बेटा तू आज घर पर रहकर पढ़ाई कर, अब विशाल आएगा उसके साथ जाना मत, मैं चल रहा हूँ काम पे। पापा भी ना फालतू बातें करते रहते हैं। बेटा देखो, इस शहर में अपने परिवार की बहुत ही इज्जत है और बहुत ही शान शौकत है, इसलिए तुमको जो भी दोस्त बनाना है बहुत सोच समझ कर बनाओ। विनय जैसे गरीब लड़के के साथ दोस्ती मत करो, इससे परिवार की शान शौकत में बट्टा लगेगा। लेकिन उन दोनों पर अपने पिताजी द्वारा कही बातों का कोई असर नहीं होता है। वे फिर भी बिना किसी भेदभाव के साथ में ही रहा करते हैं और खूब मस्ती करते हैं। मरना जीना साथ है। और विशाल भाई क्या हाल है? बढ़िया है भाई। आज इतना उदास क्यों है? क्या बताऊं यार, पिताजी मामा जी के साथ मिलकर बम्बई में फैक्ट्री खोल रहे हैं, अब से हम बम्बई में रहेंगे। तो बम्बई चला जाएगा? हाँ भाई। क्या हम दोबारा नहीं मिलेंगे? एक काम करना, तुम पढ़ाई पूरे होते ही बम्बई चले आना, फिर से हम साथ में रहेंगे। ठीक है भाई, तेरे जाने से मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्या कर सकते हैं दोस्त, मुझे जाना ही होगा, फ्लाइट के लिए लेट हो रहा है। ठीक है भाई, चल अब चलते हैं। इधर विशाल को बॉम्बे गए पूरे 3 साल हो चुके थे, लेकिन विनय को उन 3 सालों में कोई नौकरी ना मिल सकी। वह रोज अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर इधर उधर भटकता रहता था, लेकिन उसे कोई नौकरी देने को तैयार ना था, जिस वजह से उसे अपने पिताजी की रोज डांट खानी पड़ती थी। जाने कहा ले जाएगा ये सफर, चला है जो ठहरा हुआ है वक्त क्यों ठहरी हुई। यार मैं नौकरी ढूंढते ढूंढते थक चुका हूँ, अभी तक नौकरी नहीं मिली, पिताजी को क्या बताऊंगा। आज भी तुझे कोई नौकरी ना मिली? सोच रहा था तुझे पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाऊंगा, लगता है मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। अरे कमबख्त, इतने महीने में तुझे एक भी नौकरी ना मिल सकी, लाना तो तेरे ऐसी पढ़ाई पे। बेटा अब ऐसा नहीं चलेगा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे हड्डियों में ताकत नहीं बची। बेटा एक काम कर, तू बम्बई चला जा, मुझे नहीं लगता इस शहर में तुझे कोई नौकरी मिलेगी। पिताजी के कहने पर विनय बॉम्बे चला आता है, लेकिन वहाँ भी उसे कोई जॉब नहीं मिल रहा था। ऐसा करते हुए पूरे 10 दिन बीत चुके थे, जिस वजह से वह बहुत ही परेशान था। अबे खुदकुशी करने का इतना शौक हो तो ट्रेन के नीचे जाके कर, मेरे गाड़ी सामने क्यों आ रहा है? अरे विनय तू यहाँ कब आया? चल भाई तू, मुझे आए 10 दिन हो गया यहाँ, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। चल कहीं आराम से बैठ के बात करते हैं। और बता विनय, बॉम्बे में क्या कर रहा है? भाई मैं 3 साल से नौकरी के लिए इधर इधर भटक रहा हूँ, मुझे लेकिन कोई नौकरी नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं बॉम्बे चला आया। समझ ले दोस्त, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फैक्ट्री में समय मैनेजर की पोस्ट खाली है, 40,000 रुपये सैलरी और साथ में रहने के लिए घर। आखिर तू ही मेरे काम आया मेरे दोस्त। और सुन, फैक्ट्री के मजदूरों को ज़्यादा मुँह मत लगाना, ये आए दिन कोई ना कोई मांग लेके खड़े हो जाते हैं,
और हम इनकी मांगे पूरी करते करते बिक जाएंगे, लेकिन इनकी मांगे कभी खत्म नहीं होने वाली। ठीक है भाई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और बताओ प्रियांशु कैसे आना होगा? हाँ बैठो। सर आपके आने से हमारी कंपनी का बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है। समय से पेमेंट होने की वजह से हमारे वर्कर्स बहुत खुश हैं और मन लगाकर काम कर रहे हैं। गुड। इसी प्रकार हमारी कंपनी को और ऊंचाइयों तक ले जाना है। इसके लिए अच्छे से अच्छे मटेरियल इस्तेमाल करो और मार्केट में अच्छे दामों पे भेजो, जिससे हमारी कंपनी की वैल्यू बढ़ सके और कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। सर फैक्ट्री में कई मशीनें पुरानी हो गई हैं, इनको समय पर सही नहीं कराया गया तो बड़ा नुकसान हो सकता है और किसी की जान भी जा सकती है। तो सर एक बार फैक्ट्री में आकर के देख लें। ठीक है तुम चलो, मैं भी शाम को आता हूँ। ओके सर। यार प्रियांशु सही कह रहा था, मैंने भी देखा वहाँ की कुछ मशीनें कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ है। अगर उसे नहीं बदला गया तो किसी की जान भी जा सकती है। मैं चलकर विशाल से बताता हूँ। और विनय कैसे आना हुआ? यार विशाल भाई फैक्ट्री में मजदूरों के कुछ शिकायत है, वहाँ की कुछ मशीनें कुछ ज़्यादा ही खराब है। अगर उसे टाइम पे नहीं बदला गया तो बहुत लोग की जान भी जा सकती है। तू उन मजदूरों की बातों पर ध्यान मत दे, उनकी मांगे कभी नहीं ख़त्म होने वाली। लेकिन विशाल इस बार उनकी मांगे सही है, अगर मशीनें नहीं बदली गई तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तू जा उसकी टेंशन छोड़, कुछ नहीं होगा। विशाल के आंखों पे दौलत का पर्दा पड़ा हुआ है, इसको उतारे बिना समझाना मुश्किल है। लोग यहाँ क्या कर रहे हो खड़े होकर? आज फैक्ट्री बंद क्यों है? इनकी मांग है जब तक पुरानी मशीनें नहीं बदला जाता तब तक ये काम नहीं करेंगे। बाकी सारे मजदूर धरने पे बैठे हुए हैं। इस फैक्ट्री का मैनेजर होने के नाते मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ। बिना तू मेरा दोस्त होकर इनका साथ दे रहा है? भूल क्या हो दिन जब तू भिखारी उतर था मारा मारा फिर रहा था, मैंने तुझे नौकरी दी थी? नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला मेरे दोस्त। मेरा रो रोम तेरा कर्जदार है, मगर इन लोगों की मांगे जायज है। आखिर तू भी तो गरीब था, कहाँ जाएगी तेरी पुरानी आदत। पूरा दिमाग खराब कर दिया। गाड़ी स्पीड से निकालो, 100 से नीचे नहीं होनी चाहिए। आप बहुत लकी हैं विशाल, क्योंकि आपका ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर है। इस अस्पताल में क्या शहर के किसी ब्लड बैंक में आपका ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा था। ये तो शुक्र है कि विनय आपका दोस्त, जिसका खून आपसे मैच कर गया, जिसकी वजह से आज आप जिंदा हैं। क्या विनय ने मुझे खून दिया? हाँ। ऐसी तबीयत है तेरे दोस्त? मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, मैंने उस दिन तुझे इतना बुरा भला कहा और तेरे खून की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। मेरे खून की वजह से नहीं, बल्कि तू अपनी फैक्ट्री के 400 मजदूरों की दुआ की वजह जिंदा है। जब से तेरा एक्सीडेंट हुआ था तब से उन लोग मंदिर में रोज डेली जाके दिन रात भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। जिनकी जान को मैंने कुछ नहीं समझा, आज वही मेरी जान की दुआ मांग रहे हैं। तो एक काम कर, फैक्ट्री की सारी मशीनें बदल दे और मजदूरों के पगार बढ़ा दे। ये बात तूने सही कही भाई। डॉक्टर साहब ने बोला अगर मेरा सही समय पर इलाज नहीं हुआ तो शायद मैं बचूंगा नहीं। लो अपने बेटे विनय को फोन कर लेता हूँ। हेलो। हाँ बेटा। जी पिताजी। क्या हुआ, तुझे कोई नौकरी मिली कि नहीं?
बेटा मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही है। डॉक्टर ने बोला अगर सही समय पर इलाज नहीं हुआ तो शायद मैं बचूंगा नहीं। मेरी नौकरी लग चुकी है पिताजी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आज ही घर आ रहा हूँ। और विनय कैसे आना हुआ? भाई मेरे पिताजी को बहुत बड़ी बीमारी है, डॉक्टर साहब ऑपरेशन के लिए काफ़ी दिनों से बोल रहे हैं, पैसे की कमी कारण पिताजी का इलाज नहीं करा पा रहा हूँ। ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? भाई मैं सोचा तुम्हें क्या परेशान करूँ, इस समय पिताजी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे घर जाना पड़ेगा। ठीक है तू जल्दी जा, वहाँ पहुँच कर अगर कोई दिक्कत हो मुझे कॉल करना। ठीक है भाई, कोई दिक्कत होगा तो मैं तुझे कॉल करूँगा। ठीक है। बेटा तू आ गया? नहीं पिताजी, रिपोर्ट कहाँ है? ये रहा बेटा। रुकिए पिताजी, मैं डॉक्टर साहब से बात करता हूँ। हेलो, नमस्ते डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी के इलाज में कुल कितने खर्चे आएंगे? क्या 15 लाख? ठीक है डॉक्टर साहब, मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ। 15 लाख कहाँ से इंतजाम करूँ? लो विशाल को कॉल कर दूँ। हेलो, हाँ विशाल, मेरे पिताजी के इलाज के लिए कुल 15 लाख रुपये लग रहे हैं। तू तो जान ही रहा मेरी हालत कैसी है, अब तू ही कुछ कर। ठीक है। पिताजी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपका दूसरा बेटा आ गया है, आपके इलाज का सारा खर्चा मैं देखूंगा। बेटा मुझे माफ कर दे, मैं तुझे बहुत गलत समझता था और मैं विनय को हर बार बोलता था कि तू विशाल से दूर रह कर। बेटा मुझे माफ कर दे, तू ही मेरे परिवार के काम आया। आपको मैं पिता समझता हूँ, ये तो मेरा फर्ज। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए सारा कंटेंट लाया करते हैं। और दोस्तों हमें जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, यूजर आईडी विशाल जसवाल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।